हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन के अंतर्गत जो आपका हिंदी का पेपर होता है, इसका जो न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है 2024-25 का, और इस बार आपका सिलेबस चेंज हो गया है। तो सबसे पहले जाकर आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें, देन इसके बाद यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप ये सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पिछली बार आपका जो फर्स्ट पेपर है इसे कहा जाता था हिंदी भाषा, लेकिन इस बार जो आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का, इसको कहा जाता है हिंदी भाषा एवं संस्कृति। ठीक है, और इस बार आपका जो हिंदी है ये पूछी जाएगी 50 नंबर की, यानी इसका पेपर पैटर्न भी आपका चेंज हो गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सो आपको चिंता नहीं करना है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको इसके सिलेबस में बताया हुआ है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आपके 6 चैप्टर दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है इसमें आपके टोटली ग्रामर दी गई है जिनसे आपके ग्रामर के क्वेश्चन बनेंगे और ग्रामर कुछ आपकी बनेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके 6 चैप्टर है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका फाउंडेशन कोर्स है पेपर फर्स्ट, इसके अंतर्गत जो हिंदी भाषा है यानी कि भाषा एवं संस्कृति है, जो कि आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बात और छोटी सी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर यदि आपको ना मिले तो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, तो इसकी मैं आपको जो है वो आंसर की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आप सिलेबस जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन इसके बाद ये सारे क्वेश्चन कवर करिएगा। तो हिंदी के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा के घने जंगल कविता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतपुड़ा के घने जंगलों को नील में डूबे हुए क्यों कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद हिंदी में आपके इस बार कुछ जीवन परिचय भी ऐड हो गए, तो काफी सारे दिए गए हैं जिसमें से मैं आपको 3 से 4 ओनली बताऊंगी, वही आपको करना है। ठीक है, जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय जो कि आपके पहले ही चैप्टर में दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वसंत ऋतु में सतपुड़ा के घने जंगलों में क्या हो जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों ही इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस कविता में कवि ने लता के संबंध में क्या क्या कही है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, जो कि ये कवि धाशो इसमें डर नहीं है ये क्यों कहता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है वापसी। ठीक है, यही का यही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से पूछा जाता है, वापसी कहानी की शिल्प कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी के प्रमुख पात्र एवं यह किसका चित्रण करती है, जो आपकी वापसी कविता है या वापसी कहानी है इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, वापसी कहानी समाज के किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है आज के युग में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन आपके एक हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है, शिकांगो व्याख्यान। यहाँ का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शिकांगो व्याख्यान पाठ का प्रमुख सारांश लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकांगो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी के चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब आप पाठ का सारांश करेंगे तो उसी में स्वामी विवेकानंद जी की चिंतन की विशेषताएं कवर हो जाएंगी। तो जो आपका नवा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत दोनों ही क्वेश्चन आपके एक हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चे धर्म के विषय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार क्या क्या है स्पष्ट कीजिए, या फिर सच्चे धर्म की पहचान कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन आपके एक हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद जी ने मंच को धन्यवाद क्यों कहा, इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता के उपदेश के माध्यम से विवेकानंद जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहना चाहते हैं, इसका भी आपको वर्णन करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकांगो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने किस दिन दिया एवं उनका पहला वाक्य क्या था, और वाक्य के दौरान जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र था या संदेश था वो क्या था, ये आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय। जैसा कि मैंने आपको कहा तो ये दूसरा आपका जीवन परिचय है, पहला मैंने आपको बताया था भवानी प्रसाद जी का और दूसरा है आपका विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय, ठीक है। 5 नंबर का डायरेक्टली पूछा जाएगा इस बार आपका, तो आपको कवर कर लेना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगन का पंछी एवं बंजारा मन पंछी किसका प्रतीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आंगन का पंछी एवं बंजारा मन साहित्य की विधा कौन सी है, इसका भी आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घर निवेश होता है या कौन सा घर निवेश हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है सभ्य कहलाने के लिए गांधी जी ने विलायत में क्या क्या प्रयत्न किए थे, गांधी जी से रिलेटेड आपका पार्ट दिया गया है जिसके अंतर्गत यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विलायत में सादा जीवन व्यतीत करने पे गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से क्या क्या लाभ हुआ, इसका आपको वर्णन करना है, पॉइंट के रूप में लिखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के पुजारी के लिए मौन का क्या महत्व है, इसका आपको वर्णन करना है। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है आपका, सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के विषय में गांधी जी ने किन किन कुरूतियों की ओर संकेत किया था, इसका वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अन्न आहार से होने वाले लाभों का क्या क्या वर्णन किया था, वो भी आपको बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय का वर्णन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका धर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहला है धर्म क्या है, इसका अर्थ विशेषताएं एवं हिंदू धर्म बहुआयामी अनेक पद्धतियों से परिपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धर्म से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म क्या है, इसकी विशेषताएं, इसमें कौन कौन से 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है, वो आपको कर लेना है। साथ ही साथ जो आपका जैन धर्म में इसमें शाकाहार को महत्व क्यों दिया जाता है, इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो आपको देख लेना है। इसके बाद इसी में आपके पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिख धर्म से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको सिख धर्म के प्रमुख उद्देश्य देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिख धर्म से रिलेटेड आपका 2 मार्क्स का, कि जो गुरु नानक जी हैं सिख धर्म के प्रवक्ता, उन्होंने प्रभु तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सरल मार्ग बताए थे, वो आपको देखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ईसाई धर्म या मसीही धर्म का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात, जो आपका ईसाई धर्म है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि आपका मसीही धर्म, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट उद्देश्य है वो क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड, यीशु के अनुसार देश के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड है,
नैतिक धर्म का मूल उद्देश्य कर्ता के अंतर्गत निहित होता है, इस कथन का आपको स्पष्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, साथ ही साथ इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी उसूल आपको कर लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, तौहीद किसे कहते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा दर्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस्लाम धर्म से, ठीक है। तो ये हुआ आपका धर्म से रिलेटेड जो आपका चैप्टर दिया गया है, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाती है आपकी ग्रामर, तो ग्रामर के अंतर्गत मैं आपको ओनली ऑन 3 क्वेश्चन बताऊंगी, जहां से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ग्रामर के अंतर्गत वाक्य क्या होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका 5 मार्क्स का आएगा, और 2 मार्क्स का आया तो आपका सिंपली पूछ लिया जाएगा कि वाक्य रचना की विशेषताएं बताइए, वाक्य का अर्थ बताइए। देन इसके बाद पूछा सकता है कि वाक्य की रचना कैसी होती है, वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वाक्य के अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक कवर कर लेना है, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, आपके छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है। वाक्य से रिलेटेड ये सारे टॉपिक आपको कवर कर लेना है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुवाद से रिलेटेड, जो कि आपके ग्रामर में दिए गए हैं, तो क्वेश्चन बनेगा आपका 5 मार्क्स का, अनुवाद को परिभाषित कीजिए एवं अनुवाद के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आया तो आपका इस टाइप से पूछा जाएगा। देन इसके बाद यदि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बना तो पूछ सकते हैं कि अच्छे अनुवाद की विशेषताएं बताइए, मिनिमम आपको 5 विशेषताएं कर लेनी है अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुवाद के प्रमुख उद्देश्य एवं स्वरूपों का वर्णन कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अनुवाद के प्रकारों का विभाजन समझाइए, ठीक है। तो अनुवाद के अंतर्गत ये सारे टॉपिक बेसिकली आपको कवर कर लेना है, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका ग्रामर के अंतर्गत अशुद्धि किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, अशुद्धि किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है वाक्य अशुद्धि किसे कहते हैं, सारे ही आपके जो टॉपिक हैं मिलते जुलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा अशुद्धि किसे कहते हैं, अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य में अशुद्धियों का वर्णन कीजिए, जब आप अशुद्धियों के प्रकार करेंगे तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, शुद्ध एवं अशुद्ध अशुद्धियां, ठीक है। तो ये हुआ आपका अशुद्धियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ग्रामर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, सबसे पहला मैंने आपको वाक्य से रिलेटेड बताया, इसके बाद मैंने आपको अनुवाद से रिलेटेड बताया, इसके बाद मैंने आपको अशुद्धि से रिलेटेड बताया, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इनसे हटके आपका पेपर कभी नहीं पूछा जाता, आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पेपर 2nd 3rd ये सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगी, साथ ही साथ मैंने आपको काफी सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी अपलोड कर दिए, सो यदि आपने चेक नहीं किया तो चेक जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, ठीक है। साथ ही साथ जो जो आपको नहीं मिलता है उन सभी की PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको काफी सारे PDF अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।